नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 5 मई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के 30 जिला अस्पतालों में बनेंगे गहन चिकित्सा कक्ष। मनरेगा का बकाया 421 करोड़ जारी, जल्द होगा श्रमिकों को भुगतान। बिहार के लोग अब सस्ते में कर सकेंगे पुरानी गाड़ियों की खरीदारी। बिहार में सरकारी स्कूलों के बच्चे मुफ्त में करेंगे कोचिंग। आयुष्मान कार्ड निर्गत करने के मामले में बिहार के इस जिले ने मारी बाजी। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के 30 जिला अस्पतालों में बनेंगे गहन चिकित्सा कक्ष। बिहार के 30 जिलों के अस्पतालों में गहन चिकित्सा कक्ष बनाए जाएंगे। वहीं हालांकि 20 जिला अस्पतालों में भूमि चिन्हित नहीं होने से गहन चिकित्सा कक्ष निर्माण में देरी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है और सभी संबंधित जिलों के सिविल सर्जनों को जिला अस्पताल भवन या परिसर में स्थान उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया है। इन जिलों में औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, जहानाबाद, कटिहार, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, नालंदा, नवादा, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा और सिवान जिले का नाम शामिल है। विभाग ने इन जिलों को 7 मई तक सदर अस्पताल परिसर में निर्मित भवन या स्थल उपलब्ध कराने को कहा है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे आलोक धनवा की। आलोक धनवा का जन्म 2 जुलाई 1948 ईसा में मुंगेर बिहार में हुआ। वो हिंदी के उन बड़े कवियों में हैं जिन्होंने 70 के दशक में कविता को एक नई पहचान दी। उनका पहला संग्रह है दुनिया रोज बनती है, जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर, कपड़े के जूते और ब्रूनो की बेटियां हिंदी की प्रसिद्ध कविताएं हैं। अंग्रेजी और रूसी में कविताओं के अनुवाद हुए हैं। उन्हें पहल सम्मान, नागार्जुन सम्मान, फिराक गोरखपुरी सम्मान, गिरिजा कुमार माथुर सम्मान, भवानी प्रसाद मिश्र स्मृति सम्मान और साहित्यिक सेवाओं के लिए राहुल सम्मान भी मिला। पटना निवासी आलोक धनवा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में कार्यरत थे। मनरेगा का बकाया 421 करोड़ जारी, जल्द होगा श्रमिकों को भुगतान। मनरेगा के तहत श्रमिकों को बकाया मजदूरी का भुगतान जल्द ही होने वाला है, क्योंकि केंद्र सरकार ने बकाया 458 करोड़ में 421 करोड़ जारी की है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा राशि की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण चालू वित्तीय वर्ष में श्रमिकों की मजदूरी लंबित थी। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि श्रमिकों के खाते में शीघ्र मजदूरी भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करें। इस राशि से तत्काल करीब 11 लाख परिवार को फायदा मिलेगा। मालूम हो कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रारंभ होने के बाद की ये पहली राशि है जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया है। बिहार के लोग अब सस्ते में कर सकेंगे पुरानी गाड़ियों की खरीदारी। बिहार में गाड़ी के शौकीनों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में गाड़ी खरीदने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। हालांकि सूची में उन लोगों के नाम भी शामिल है जो सेकंड हैंड गाड़ियों को खरीदने का शौक रखते हैं। उन्हीं के लिए आज हमारे पास एक खुशखबरी है। जी हाँ, बिहार के लोग अब कम कीमत पर पुरानी दोपहिया और चारपहिया वाहन खरीदने का काम करने वाले हैं, वो भी सरकार की एजेंसी से। बिहार में शराब के साथ पकड़ी गई गाड़ियां अब ई नीलामी होने वाली है, यानी कि अब कहीं से भी लोग किसी भी जिले के वाहन की नीलामी में आसानी से शामिल हो सकेंगे। सबसे खास बात तो ये है कि बिहार से बाहर के लोग भी इस नीलामी का हिस्सा बन सकते हैं। पटना में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत की गई थी, जिसके बाद ही अब राज्य के सभी 38 जिलों में इसे लागू करने का निर्णय लिया गया है। अभी तक ई नीलामी के लिए 3500 से अधिक वाहनों का ऑनलाइन निबंधन भी किया जा चुका है। इसकी जानकारी उत्पाद आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने दी है। बिहार में सरकारी स्कूलों के बच्चे मुफ्त में करेंगे कोचिंग। बिहार में साक्षरता अभियान की मुहिम और तेज हो गई है। इसी कड़ी में अब बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चे स्कूल में तो पढ़ाई करेंगे ही, अब इन बच्चों को मुफ्त में कोचिंग क्लासेस भी मुहैया करवाई जाएगी। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बिहार सरकार की अक्षर आंचल योजना में नियत मानदेय पर काम करने वाले शिक्षा सेवकों के शिक्षण कौशल को और बेहतर बनाने के लिए, साथ ही अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक वर्ग के 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का स्कूलों में नामांकन और उपस्थिति सुनिश्चित करने और उन्हें कोचिंग प्रदान करने की जिम्मेदारी भी अब शिक्षा सेवकों की है। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर बीते दिन जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है, जिसके तहत अब सभी जिलों में शिक्षा सेवकों के शिक्षण कौशल बेहतर करने के लिए कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने निकाली रिक्तियां।
हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक प्रोफेसर के 553 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए विषय की बात करें तो इसमें टूर्स एंड ट्रैवलर्स, J&M, होम साइंस, स्कल्पचर, कमर्शियल आर्ट्स, साइकोलॉजी, फिलोसफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, इंग्लिश एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, बॉटनी, फिजिक्स, जियोग्राफी, जियोलॉजी, म्यूजिक वोकल, केमिस्ट्री, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, संस्कृत, पब्लिक प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, हिंदी, गणित है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 55% अंकों के साथ प्रासंगिक विषय में मास्टर्स डिग्री और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट या समकक्ष और प्रासंगिक विषय में PhD योग्यता होना अनिवार्य है। इच्छुक कर्मियों के उम्मीदवार अंतिम तारीख 26 मई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.hppsc.hp.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार में अब वाहन का डुप्लीकेट ऑनर बुक पाना नहीं हो रहा आसान। अब वाहन मालिकों को गाड़ी का ऑनर बुक गुम हो जाने पर उसे दोबारा निकालने के लिए केवल चालान काटने से काम नहीं चलेगा। गाड़ी मालिक को दर्ज सनहा या FIR का नंबर भी देना है, इसके बाद ही उन्हें डुप्लीकेट ऑनर बुक जारी किया जा सकेगा। वैसे ये नियम बहुत ही पुरानी है, लेकिन परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद अब ये अनिवार्य हो गया है। अब तक कई बात तो ऐसी देखने मिली थी कि एक ही गाड़ी के दो ऑनर बुक निकले। गाड़ी ट्रांसफर के समय फर्जीवाड़े के मामले सामने आ चुके हैं। इसी तरह के आधा दर्जन से अधिक मामलों पुलिस के पास भी लंबित है। इसीलिए अब फर्जीवाड़े पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए विभाग ने इस प्रक्रिया को विभाग के सॉफ्टवेयर में ही अपडेट कर दिया है, जिससे आगे कोई परेशानी ना हो। आज से शुरू होगी मैट्रिक विशेष परीक्षा। मैट्रिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा आज यानी कि गुरुवार से शुरू होने वाली है। ये परीक्षा दो पालियों में होगी। परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले तक प्रवेश मिलेगा, यानी कि प्रथम पाली के लिए 9:20 पर और दूसरी पाली के लिए 1:35 तक प्रवेश मिलेगा। ध्यान रहे, इसके बाद किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस कारण बोर्ड ने सभी छात्रों को समय से केंद्र पर पहुंचने का निर्देश दिया है। परीक्षा 5 से 9 मई तक जारी रहेगी। परीक्षा में कुल 57,817 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसमें 34,165 छात्राएं और 23,652 छात्र शामिल है। इसके लिए राज्य भर में 114 परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं। वहीं पटना में 6 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा ली जाएगी। आज से बिहार के मौसम में होगा बदलाव। बिहार में भरी गर्मी के बीच बीते 3-4 दिनों से बह रही पूर्वा हवा का कई जिलों पर असर देखने को मिला है और बारिश ने भी लोगों को बड़ी राहत दी है। वहीं कई जिलों में बारिश को लेकर आज भी अलर्ट है। इसके साथ ही आज से मौसम में बदलाव के संकेत भी मिल रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार मौसम विज्ञानियों का कहना है कि पूरे प्रदेश में पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवा का प्रवाह 5 मई तक बना रहेगा। प्रदेश में एक चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर बना है। इसके साथ साथ एक ट्रफ लाइन पंजाब से बांग्लादेश तक दक्षिण हरियाणा, दक्षिण उत्तर प्रदेश, दक्षिण बिहार होते हुए बंगाल की खाड़ी की तरफ गुजर रही है। इन सभी प्रभाव के कारण मौसम में बदलाव की स्थिति बनी हुई है। मामूली घर से निकलकर पटना की सुधा बनी उदाहरण। बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए बिहार का मान बढ़ाने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। इसी में एक नाम अब राजमिस्त्री परिवार में जन्मी सुधा कुमारी का है। मुश्किलों के बीच उन्होंने रास्ता निकाला है और आज वो बिहार की शान बन चुकी है, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से अपनी काबिलियत दिखाते हुए राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग में 4 पदक जीत करके प्रदेश का मान बढ़ाने का काम किया है। 43 साल की उम्र में एक बच्चे की मां होने के बाद उन्होंने कर्नाटक में राष्ट्रीय सीनियर पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप के 2 रजत और 2 कांस्य पदक अपने नाम कर ये साबित किया है कि उम्र की पाबंदी उनके लिए मायने नहीं रखती। किशनगंज के नेहरू शांति पार्क में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। ऐसे में आज हम आपको बिहार के किशनगंज जिले के नेहरू शांति पार्क के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप किशनगंज रेलवे स्टेशन के पास में हैं और आपके पास समय थोड़ा ज्यादा है तो आप वहां से 1 किलोमीटर दूर नेहरू शांति पार्क जा सकते हैं। पार्क में झरने, तालाब और खूबसूरत पेड़ पौधे, फूलों के साथ एक गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा स्थापित है, जिसे देखने के लिए लोग आज भी वहां जाते हैं। ऐसे में अगर आप भी कभी किशनगंज जाते हैं या यहीं के रहने वाले हैं तो नेहरू शांति पार्क का भ्रमण करने जरूर जाएं। 7वें चरण के शिक्षक नियोजन को लेकर इस दिन से होगा धरना प्रदर्शन। शिक्षक नियोजन को लेकर बिहार सरकार भले ही कई सारे कदम उठा रही हो, लेकिन बिहार में फिर भी शिक्षक नियोजन का मामला उलझा हुआ है। अभी तक 6ठे चरण का ही नियोजन सही से नहीं हो पाया है। ऐसे में 7वें चरण के नियोजन की मांग भी उठने लगी है। प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से 7वें चरण में शिक्षक नियोजन को लेकर 7 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी।
इसकी जानकारी संघ की महिला प्रदेश अध्यक्ष विनीता विनी ने दी है। उन्होंने कहा कि गांधी मैदान में आयोजित बुधवार की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। शिक्षा विभाग ने सातवें चरण के शिक्षक नियोजन की कोई तैयारी नहीं की है, जबकि हजारों अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक धरना जारी रहेगा। अब पटना एम्स में होगी खसरा की जांच, स्वास्थ्य मंत्री ने दिए संकेत। बिहार में अब खसरा की जांच संभव होने वाली है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने खुद ही इस बाबत अब संकेत दिए हैं। बीते दिन मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिलों से खसरा के संदिग्ध रोगियों के सैंपल को कलेक्ट कर वहां से सीधे पटना एम्स भेजा जाएगा, जहां उसकी जांच की जाएगी। आमजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह जांच पूरी तरह से निःशुल्क की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व में खसरा की जांच की सुविधा प्रदेश में उपलब्ध नहीं होने के कारण लक्षणों के आधार पर इलाज होता था, लेकिन जांच सुविधा उपलब्ध नहीं होने से ससमय जांच होगी और बीमारी की पहचान हो सकेगी, साथ ही रोग का अधिक प्रभावी प्रबंधन भी हो सकेगा। एम्स से डिस्चार्ज हुए लालू यादव। बुधवार का दिन राजद परिवार के लिए बेहद ही शुभ रहा, क्योंकि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज हो गए हैं। इस दिन उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि लाउडस्पीकर और बंदर मस्जिद का मुद्दा लाकर देश को तोड़ने की साजिश चल रही है। साथ ही उन्होंने तेज प्रताप यादव को लेकर कहा कि मैं राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, उन पर जो फैसला लेना होगा वो मैं लूंगा। डिस्चार्ज होने के बाद लालू यादव बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के आवास पर रहेंगे। वहीं डॉक्टर से अनुमति मिलने के बाद ही वो पटना आ सकेंगे। खेसारी लाल यादव ने सुशांत सिंह राजपूत से की खुद की तुलना। इन दिनों भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव अपने परिवार को मिल रही धमकियों को लेकर काफी परेशान है। खेसारी लाल ने इस मामले को लेकर सीएम नीतीश कुमार और बिहार पुलिस से मदद की गुहार भी लगाई है। बुधवार को खेसारी लाल यादव ने एक ट्वीट कर कहा कि आज बिहार पुलिस मेरे साथ भी वही कर रही है जो कुछ वक्त पहले भाई सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ था। ये वही समूह है जिन्होंने अपने मन से FIR करके पूरा नाटक किया, जिनसे इनको राजनीतिक लाभ मिला या मिलेगा, और आज मुझे हर तरह से दौड़ाया जा रहा है। FIR दर्ज भी नहीं हो रहा। 8 घंटे से अधिक काम करवाने पर देना होगा दोगुना वेतन। राज्य के कल कारखानों में 8 घंटे से अधिक काम करवाने पर कामगारों को दोगुना वेतन देना होगा। श्रम संसाधन विभाग ने इसके लिए नियमावली बना दी है। विभाग के इस निर्णय का लाभ राज्य के निबंधित 8,000 से अधिक फैक्ट्री के 2,00,000 से अधिक कामगारों को होगा। विभाग ने कामगारों और नियोक्ताओं के बीच बेहतर संबंध बनाने के लिए नियमावली बनाई है। इसके तहत तय किया गया है कि निबंधित कारखानों में काम करने वाले कामगारों से तय अवधि में ही काम लिया जाए। एक कामगार से अधिकतम 8 घंटे ही काम लिया जाएगा। इस तरह सप्ताह में एक साप्ताहिक अवकाश को मिलाकर कामगार से अधिकतम 48 घंटे ही काम लिया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में अगर कोई नियोक्ता चाहे तो वो कामगार से 8 घंटे से अधिक काम ले सकते हैं, लेकिन एक दिन में अधिकतम 12 घंटे तक ही काम लिया जा सकेगा। आयुष्मान कार्ड निर्गत करने के मामले में बिहार के इस जिले ने मारी बाजी। प्रधानमंत्री की अति महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने की जिम्मेदारी देश भर के सभी राज्यों को दी गई है। वहीं बिहार के जिलों में भी कार्ड वितरण का आदेश जारी किया गया है। इसी मामले में सीतामढ़ी पहले स्थान पर आया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में सीतामढ़ी जिले में 72,063 लोगों को कार्ड निर्गत किए गए हैं। साझा किए गए रिपोर्ट के अनुसार मुजफ्फरपुर में 47,694 कार्ड के साथ दूसरे और 44,317 कार्ड के साथ पटना तीसरे स्थान पर रहा। जिला कार्यक्रम समन्वयक साहिब सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संबंध में जिलेवासियों को जागरूक किया गया है। जिला से लेकर प्रखंड और पंचायत स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित करके लोगों से आयुष्मान कार्ड बनवाए गए हैं। बिहार से खत्म होगा केमिकल फार्मिंग। बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि अब किसानों को केमिकल आधारित खेती को बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम कैंसर ट्रेंड को रोक नहीं पाएंगे। कृषि मंत्री ने बीते दिन जारी बैठक में कहा कि हरित क्रांति के कारण खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में देश ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। ये कृषि वैज्ञानिकों एवं देश के करोड़ों किसानों के अथक परिश्रम के कारण संभव हुआ है। हालांकि अब हरित क्रांति का दुष्परिणाम भी अब स्पष्ट हो रहा है। कृषि के क्षेत्र में अंधाधुंध कृषि रसायन, खाद और कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी जल्द। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक आगामी 20-21 मई को राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित करवाई जा सकती है।
बुधवार को पार्टी की तरफ से इसकी जानकारी साझा की गई है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीतियों के साथ ही वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा करेगी। हालांकि खबर तो ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक के किसी एक सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर सकते हैं। इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा प्रदेश के अध्यक्ष और संगठन से जुड़े प्रमुख नेता इसमें मौजूद रहेंगे। जातिगत जनगणना पर तेजस्वी के आरोप पर जदयू ने किया पलटवार। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना के मामले को लेकर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय पर निशाना साधा था, जिसके बाद ही अब तेजस्वी के इस बयान पर जदयू ने पलटवार किया है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि बीते दिन ही तेजस्वी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भाजपा घोर सामाजिक न्याय विरोधी पार्टी है। बिहार विधानसभा से जातिगत जनगणना कराने का हमारा प्रस्ताव दो बार सर्वसम्मति से पारित हो चुका है, लेकिन भाजपा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने लिखित में जातिगत जनगणना कराने से मना कर दिया है, जिसका ही जवाब देते हुए जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि सुविधा के अनुसार राजनीति, जब पक्ष विपक्ष राजी हो तो फिर क्यों बयानबाजी। संसद में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित है। कार और होम सहित सभी प्रकार के लोन होंगे महंगे। आरबीआई ने बीते दिन अचानक से रेपो रेट बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, जिसका ऐलान रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया, जिसके बाद ही अब रेपो रेट में 0.40% की बढ़ोतरी हो गई है। यानी कि अब कार और होम लोन सहित सभी तरह के लोन महंगे होने वाले हैं, साथ ही ईएमआई पर खर्च भी ज्यादा करना पड़ेगा। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार एमपीसी ने यह फैसला बेकाबू होती महंगाई के कारण लिया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी 1883 में जेल जाने वाले पहले पत्रकार बने। महात्मा गांधी को 1944 में जेल से रिहा किया गया। भारत में झारखंड पार्टी की स्थापना 1949 में हुई। भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक सिलहट में शुरू हुई। बेल्जियम में गुयु बेरहोफ्स्ट्राड के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का पतन 2003 में हुआ। एनटीपीसी के रिहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को लगातार तीसरे वर्ष ग्रीन टेक गोल्ड सेफ्टी अवार्ड 2008 में मिला। राजस्थान सरकार द्वारा गुज्जरों को 1% आरक्षण तत्काल और 4% का बैकलॉग रखने के समझौते के बाद गुज्जरों ने 2010 में आंदोलन समाप्त कर दिया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी ज्वेल सिंह का 1916 में जन्म हुआ। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोहर लाल खट्टर का जन्म 1954 में हुआ। भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश लीला सेठ का निधन 2017 में आज ही के दिन हुआ था। फेसबुक ने बंद किया पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म। फेसबुक की तरफ से अपने पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म को बंद किया जा रहा है। बता दें कि पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म को एक साल पहले लॉन्च किया गया था। क्रिएटर्स इस हफ्ते से अपने नए शोज को अपलोड नहीं कर पाएंगे, जबकि प्लेटफॉर्म 3 जून से काम करना बंद कर देगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक की तरफ से अपने पॉडकास्ट कारोबार को दोबारा से बड़े पैमाने पर लॉन्च करने की योजना है। ऐसे में कंपनी की तरफ से मौजूदा पॉडकास्ट को बंद किया जा रहा है। कंपनी की तरफ से साउंड बाइट और ऑडियो हब को भी बंद किया जा रहा है, जबकि इन्हें लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव ऑडियो रूम फीचर के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। करण जौहर का शो कॉफी विद करण हुआ बंद। फिल्मकार करण जौहर को लेकर खबरें थी कि वो जल्द ही अपने चर्चित शो कॉफी विद करण के नए सीजन के साथ वापसी करने वाले हैं, लेकिन उनके फैंस के लिए इसे लेकर नई जानकारी सामने आई है जो उनका दिल तोड़ सकती है। करण जौहर ने सोशल मीडिया पर अनाउंस किया है कि वो नया सीजन लेकर वापसी नहीं करने जा रहे हैं। हालांकि ये शो उनके बेहद करीब है। करण जौहर ने ट्वीट किया कि कॉफी विद करण 6 सीजन से मेरे और अपने जीवन का हिस्सा रहा है। मुझे लगता है कि हमने एक प्रभाव छोड़ा है और सांस्कृतिक इतिहास में जगह बनाई, और इसलिए बड़े भारी मन से आपको बताना चाहता हूं कि कॉफी विद करण का नया संस्करण नहीं आएगा। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की 13 रनों से जीत। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 13 रन से जीत हासिल की। फॉफ टू प्लेसी की अगुवाई में बैंगलोर ने 173 रन के स्कोर का सफलतापूर्वक बचाव किया और चेन्नई को 160 रन पर रोक दिया। बैंगलोर की इस सीजन की 6ठी जीत है, वो अब अंक तालिका में 4थे स्थान पर पहुंच गई है। वहीं दूसरी तरफ चेन्नई की बात करें तो कप्तान एमएस धोनी का बल्ला इस बार भी खामोश रहा। वो 3 गेंदों में महज 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उन्हें हेजलवुड ने रजत पाटीदार के हाथों कैच कराया। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, धीरज, गौतम कुमार, विकास बिहारी, रुपेश कुमार, अनंत पासवान, शंकर मुखिया, मृत्युंजय कुमार, एंड्रू स्टेवन, रवीश कुमार, अनवर करीम, रंजीत मिश्रा। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार अभी तक आईपीएल 2022 के मुकाबलों को देखते हुए पर्पल कैप के कौन दावेदार नजर आ रहे हैं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।